देसी तड़का विद श्वेता पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं कोफ्ते, पनीर के कोफ्ते। कैसे बनाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले और इंग्रेडिएंट बताने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या विजिट किया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आता है, उसको जरूर से दबाइएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो रेसिपी कुछ इस प्रकार है। जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है वो इस प्रकार है। ये चाहिए हमें पनीर, ये टमाटर, ये प्याज, ये थोड़े से काजू, ये आलू है, ये क्रीम है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है। तो सबसे पहले तो हम आलू उबलने रख देते हैं, जो हमें पनीर के कोफ्ते बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले आलू उबलने रख देते हैं। तो कोफ्ते बनाना स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना, क्योंकि ग्रेवी को बना के हमें ठंडा करना है। तो सबसे पहले तो हम प्याज को अपने रफ काट लेते हैं। इधर हमारे आलू भी उबल चुके हैं, जिनको हमने छील के मैश कर दिया है। डालते हैं अपने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल, साथ ही साथ अपने टमाटोज भी हम कट कर लेते हैं। ये जो कोफ्ते हम बनाने जा रहे हैं, इसे पनीर के कोफ्तों के अलावा कुछ लोग पनीर के कोफ्ते बुलाते हैं और कुछ लोग इसको मलाई कोफ्ता भी बुलाते हैं। तो बनाते हैं हम लोग मिलकर के मलाई कोफ्ता की रेसिपी, आज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में, ट्राई जरूर कीजिएगा। ये जो रेसिपी बनने जा रही है, ये जो डिश बनने जा रही है, ये थोड़ी सी रिच बनने जा रही है, क्योंकि इसमें काजुओं का उपयोग हो रहा है और क्रीम का भी उपयोग हो रहा है, तो अपने आप में ही ये काफ़ी रिच डिश बन जाती है। तो स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखिएगा, जिससे कोई इंग्रेडिएंट आपका मिस ना हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे अपने काजू। इसको हल्का सा हम स्टर करेंगे। साथ ही डाल देंगे अपनी अनियन, ये एक ऐसी ग्रेवी बनाने से बता रही हूँ आप लोगों को। जो ये ग्रेवी हम बना रहे हैं, ये अधिकतर या रेस्टोरेंट्स में यूज होती है। ग्रेवी एक ही तरह की होती है, जिसको अलग अलग रेसिपीज के साथ में, जैसे आपने अगर पनीर का ऑर्डर किया तो आपको पनीर के साथ में मिक्स करके दे देंगे, अगर आपने बटर चिकन ऑर्डर किया तो उसके साथ मिक्स करके दे देंगे। तो ग्रेवी एक ही होती है, बस उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। हरा धनिया है, इसको भी हम इस तरह से रफ चॉप कर लेंगे और इसको हम अपनी ग्रेवी में डाल देंगे, जो हमने पूरी तैयार करनी है उसमें। स्टर करते हैं इसको और इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। डालेंगे इसमें हल्का सा नमक। ग्रेवी को ढक कर हम धीमी आंच पर पकने देते हैं, बाकी हम तब तक अपने कोफ्तों की तैयारी करते हैं। ये आलूओं में हमने थोड़ा धनिया डाला है और थोड़ा सा नमक और मिर्च डाला है हल्के से फ्लेवर के लिए। अब इसमें डालते हैं हम अपना पनीर। पनीर को भी हम इस तरह से मैश कर लेंगे इसके साथ ही। ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अंदर आप अरारोट का उपयोग कर सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पनीर करके डालेंगे इसके साथ। जैसा कि हमने बताया कि हमारी डिश थोड़ी रिच है, तो इसलिए हमने थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश ली है। किशमिश को हम थोड़ा चॉप कर लेते हैं और काजुओं को भी हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे, जो कि हमें कोफ्तों के अंदर डालनी है।
काजू और किशमिश भी हमारे चॉप हो चुके हैं, तो चलिए इसको डाल देते हैं अपने कोफ्तों के डो के अंदर। ये इधर से हमारे टमाटर भी ऑलमोस्ट पकने पे हो चुके हैं, अभी पूरी तरीके से हमारी ग्रेवी तैयार नहीं हुई है, तो इसको अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको अच्छे से तैयार होने देते हैं। थोड़ा सा अरारोट हम डालेंगे कोफ्तों की बाइंडिंग के लिए, अंदाजे से ये 1 से 1.5 चम्मच होगा तकरीबन। और दूसरी तरफ आप जब भी ये ग्रेवी तैयार करें आप इसको हाथ थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें जिससे ग्रेवी लगे ना। ये टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और प्याज भी अच्छे से क्रांति हो चुकी है, तो गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको हम ठंडा होने देते हैं। और अब जब तक ये ठंडा होता है प्यूरी तैयार करते हैं, उससे पहले हम अपने कोफ्ते बना लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, हमने वापस अपना गर्म होने रख दिया है। इसके अंदर हम डालते हैं ऑयल कोफ्ते बनाने के लिए। सबसे पहले डो के अंदर डालते हैं हम अपनी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, हरा धनिया हम डाल ही चुके थे इसके अंदर, अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। हो चुका है तो लंबे गोल जिस हिसाब से आपको कोफ्ते बनाने हो आप उस हिसाब से कोफ्ते बना लीजिएगा, हम थोड़े से लंबे शेप में बनाएंगे। तो ये कोफ्ते हमारे हमने बना के रेडी कर लिए हैं, तो चलिए ऑयल में डाल देते हैं और इनको उल्टी पलटी करके धीरे धीरे फ्राई कर लेंगे। तो ये कोफ्ते भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और हमने ऑयल से बाहर निकाल लिए हैं। और ग्रेवी भी हमारी ठंडी हो गई थी और हमने मिक्सी में उसको पीस लिया है। ये हमारे तैयार कोफ्ते हैं सारे। तो ये ऑयल हमारा हमने फिर से इसी पैन में ले लिया है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च, ये कलर के लिए डाल रहे हैं हम, डालेंगे धनिया पाउडर, डालेंगे हल्दी और इसको हम एक बार स्टर करेंगे, मसालों का कच्चापन निकालेंगे इसमें से हम। और साथ ही साथ ये प्यूरी जो हमने तैयार की थी ये प्यूरी भी हम इसमें डाल देंगे। मसाले के साथ हम इसको भूनेंगे। अब जार में हमारे काफी मसाला लगा रह गया है क्योंकि ये रिच ग्रेवी है तो जल्दी ही तैयार हो जाएगी, तो जार में थोड़ा पानी डाल के वो पानी इसमें हम डाल देते हैं। तो ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है और थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ऑयल तो देखिए आप छोड़ ही चुकी है ग्रेवी हमारा, अब डाल देते हैं इसमें हमारा पानी। तो ये ग्रेवी हमारी देखिए अभी भी कितनी अच्छे गाढ़ेपन पे है, ये देखिए आप। तो इसमें अब हम डालते हैं अपना गरम मसाला और साथ ही डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से हल्के हाथ से
इस तरह से क्रश करते हुए डालिए, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फिर डालेंगे अपनी क्रीम। या चलिए डाल ही देते हैं क्रीम अपनी, डालते हैं क्रीम। क्रीम डाल के हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि क्रीम अपना फिर क्रीमीपन छोड़ के घी छोड़ देगी, पक जाएगी ज़्यादा। अच्छे से मिक्स करेंगे क्रीम को। लुक एट द कलर, कितना अच्छा कलर आया है देखिए ग्रेवी का, देखिए। तो उबाल आने देते हैं इसमें, फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ग्रेवी हमारी उबल चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अपना स्वाद का राजा। लिमिट में डालना है, कोफ्तों में भी नमक है, ग्रेवी में पहले भी हमने थोड़ा नमक डाला था, तो नमक लिमिट में डालेंगे हम। अच्छे से मिक्स करेंगे, उबल तो रही है, नमक भी पक जाएगा हमारा इसमें। ये देखिए रिचनेस, देखिए आप ग्रेवी की कितनी अच्छी आ रही है, रिचनेस भी थिकनेस भी। तो चलिए गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ और करते हैं प्लेटिंग। आज आपके साथ कोफ्तों को सर्व करने की टेक्निक भी सिखा देती हूँ आप लोगों को। कभी भी आप अपने कोफ्ते सर्व करते हैं तो कभी भी ग्रेवी में डाल के मत छोड़िए, जब सर्व करना हो तभी आप अपनी कोफ्ते इस तरह से रखिए और ग्रेवी उसके ऊपर से पोर करके दीजिए। इससे आपके कोफ्ते मेल्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट कोफ्ते होते हैं और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं क्योंकि पनीर के हैं। तो सोच समझ के इस तरह से पोर कीजिए। करते हैं टेस्टिंग, कैसे बने हैं पता तो चले। सबसे पहले तो गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू अपने आप बता रही है। काजू की मिठास भी बहुत अच्छी आ रही है इसके अंदर, बाकी तो फ्लेवर अपने अलग है ही है। आज जो ग्रेवी आप लोगों के साथ शेयर की है मैंने, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज होती है ज्यादातर, तो ये आप भी टेक्निक अपना सकते हैं अपनी। अलग अलग पनीर बनाना हो, पनीर या कुछ भी बनाना हो, इस तरह से आप ग्रेवी बनाएं और सर्व कीजिए। वाह वाह, आप खुद लूटोगे खूब अच्छे से। बाकी चैनल पर नए हैं या चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आता है, उसको जरूर दबाइएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। तब तक के लिए बाय बाय। I'll never see you happy. You always treat me badly. You say that.